जो बंदा सबसे बढ़िया था उसी को बाहर निकाल दिया, और वो बाहर भी इस वजह से निकला क्योंकि वो गुस्सा था, वो रेटिंग वेटिंग का कोई सिस्टम होता है इतना तो मैंने रील्स में देख लिया था। सो या अभी देखते हैं जो क्लिप्स बंदों ने एडिटिंग करके बनाई है वो क्या है और क्यों है और कैसा है, क्यों बाहर आया बंदा। ठीक है, लेट्स गो एंड वॉच। तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता ये हूँ कि मेरे को 2 नंबर पे लाया जाए और मेरे को सॉरी बोला जाए। जिसने भी मेरे को जो 12 नंबर पे लेके आया है वो मेरे को सॉरी बोलेगा और मेरे को अंदर बेड देगा सोने के लिए, नहीं तो मैं यही करता रहूंगा। और नहीं तो निकालना तो निकाल दो, मैं कोई धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। ये कोई शॉट नहीं। जब ये बंदा अंदर गया था कुछ फॉलोअर्स थे, अब मिलियंस में हो गए हैं बंदे के एक दिन में भाई। दैट्स व्हाट टीआरपी डू। लेकिन भाई नाम बना दिया इस बंदे ने ना, जैसे तैसे बना दिया भाई। इसका कोई फायदा भी नहीं आपके लिए। अरे ये तो मैं इनके लिए आया हूँ यार, इनकी टीआरपी के लिए आया हूँ मैं, कोई अपने अच्छा, अच्छा। इनकी टीआरपी के लिए आया हूँ, इनको फेमस करने के लिए आया हूँ मैं। झुकके रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। धमकी दे, फाइनल वार्निंग दे। अरे फाइनल वार्निंग से मुझे क्या करना, मैंने किसी का कर्जा थोड़ी लिखा यार। इसको रहना था ब्रो, इतना कंटेंट मिलता ना, क्रेजी हो जाता भाई सीन। हेलो, अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे। मैं घर के अंदर भी ऐसा ही हूँ, घर के बाहर भी ऐसा ही हूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम रियल। पुनीत बिग बॉस मुख्य द्वार से होते हुए आप घर से बाहर आ गए। साले बिग बॉस के बिगमंगो, तुम्हारी औकात भी नहीं है पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस में लाने की। ओ साले दो कोड़ी के आदमी हो, दिल्ली में रहकर ना तुम जैसे आदमी अपनी जेब में लेकर घूमता है पुनीत सुपरस्टार, अपनी जेब में लेकर पुनीत सुपरस्टार आग लगा देगा, कुत्ता बना देगा तुम लोगों का। नहीं तो आज मैं जनता को ये अपील करूंगा कि बिग बॉस ओटीटी कोई ना देखे भाई, क्योंकि अगर तुमने पुनीत सुपरस्टार के साथ ना इंसाफी करी ना तो कोई भी तुम्हारा ओटीटी नहीं देखेगा। एक एक हिंदुस्तान के एक एक कोने तक मेरी आवाज जाएगी, एक एक इतिहास के पन्नों में मेरे डायलॉग लेके जाएंगे, एक एक रिक्शे वाला, रेडी वाला, ठेली वाला, दुकानदार, काम धंधे वाला, बिजनेस वाला, ये वाला, वो वाला, हर जगह पुनीत सुपरस्टार का चर्चा होगा, ये वाला वो वाला। बेस्ट नहीं है यार इसकी टक्कर का कोई बंदा यार। नहीं है भाई। और From the bar train to a tour bus, to the same game, except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Did it my way, I'm never taking shortcuts. 55,000 लोग लाइव देख सकते हैं कभी भाई, इतनी जनता ना किसी की नहीं है, किसी की नहीं है इतनी जनता भाई। जो ये कौन सा साइट था वैसे, ये कोई और ऐप था ना। मेरी मौत हो गई तो भैया मेरी लाश जो है मेरे घर वालों तक भिजवा देना म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी के द्वारा। म्युनिसिपैलिटी वाले भी इतना गंद नहीं फेंक उठाते। ये जीवन जी रहा है ना, ये इससे बड़ी मौत नहीं हो सकती। बेटा औकात दिखा देगा पुनीत कुमार, जब साला दो कोड़ी के आदमी हो तुम जैसे अपनी जेब में लेकर घूमता है पुनीत सुपरस्टार, अपनी जेब में लेकर पुनीत सुपरस्टार आग लगा देगा, कुत्ता बना देगा तुम लोगों का। तुम्हारे कंटेंट को भाई नहीं क्या समझ रहे ना लाला, तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोलती, नहीं क्या कंटेंट नहीं समझती तुम्हारे कंटेंट को, क्या बोलेंगे तुम इसको, नहीं क्या मेरे कंटेंट को। वो आप सही कह रहे हो, लेकिन जैसा मैं हूँ और जो मैं जो मुझे आता है मैं वही दिखाता हूँ, मैं किसी को भी नहीं करता तो आगे। सही है, मेरे को भी क्रिंज लगा लेकिन नहीं क्या मैंने देखा तो ठीक है आप। बिग बॉस जाए भाड़ की भंडी में, साला मुझे किसी की जरूरत नहीं है, पुनीत सुपरस्टार स्टार था, स्टार है और स्टार ही रहेगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि एमसी स्टैंड तुम साले कीड़े मकोड़े मेरे को आगे ललकारता है, मेरी कॉमेडी के पीछे आगे ललकारता है, तो मेरे झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ।
तो झुके रहना पड़ेगा, अगर झुके रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। निकल 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 यार आप ऐसी बात करते हो? हाँ जी सर, मैं ऐसी बात करता हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड कोई है? नहीं सर, गर्लफ्रेंड ऐसी बात करिए तो कभी नहीं बनेगी सर, मुझे जरूरी नहीं है। नहीं सर, भाई 24 घंटे में इतना कंटेंट दे दिया भाई इसने यार, रुक जाता ना ये पूरा इंटरनेट पे कब्जा था बंदे का। सीधे सीधे इस घर से निष्कासित हो जाएंगे। कोई बात नहीं, निकाल दे, मैं निकलने तैयार, अभी निकाल देना, अभी जा रहा हूँ भाई। मैं किसी धमकी से नहीं डरता, निकालना है जब मर्जी निकाल दे, अभी निकलूँ बाहर, गेट खोलो अभी निकलता हूँ, दो मेरा सामान अभी जाता हूँ मैं, और रखना है रखो नहीं तो बाहर की मिट्टी में जाओ। मेरे लाखों पब्लिक मुझे प्यार करती है, 50 लाख लोग प्यार करते हैं मुझे, मैं किसी का हाथ पैर नहीं जोड़ने वाला। अगर तुम्हें लग रहा है मैं गलत हूँ तो भाई निकालो ना बाहर, भाई मुझे ना मिले स्टेज, भाई अपन सोशल मीडिया के किंग कहलाते हैं, इससे बड़े बड़े शो मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं, करोड़ों में खेलूंगा मैं भाई, करोड़ों में। तुम्हें रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, टीआरपी तुम लोगों को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। बिग बॉस मुख्य द्वार से होते हुए आप घर से बाहर आ जाओ, जिसको निकालना है निकाल दो, मैं किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ने वाला, ना किसी के तलवे चाटने वाला, चाहे कोई बिग बॉस हो। नहीं तो आज मैं जनता को ये अपील करूंगा कि बिग बॉस ओटीटी कोई ना देखे भाई, क्योंकि अगर तुमने पुनीत सुपरस्टार के साथ नाइंसाफी करी ना तो कोई भी तुम्हारा ओटीटी नहीं देखेगा। काम धंधे वाला, बिजनेस वाला, ये वाला, वो वाला, यहाँ वहाँ हर जगह पुनीत सुपरस्टार का चर्चा। अरे आग लगा दे, आग लगा दे, पुनीत सुपरस्टार ने आग लगा दे। अबे यार आ जाए बंदा वाइल्ड कार्ड में भाई। मैंने करा क्या? मेरे को भाई मेरे को आ रहा है, 10 बंदे आओगे क्या मेरे पे? मेरा मुंह लग रहा है खाली पीने में, आके मैं वो दिखा रहा है, तो जाके अपना काम कर, मेरे से क्या करना है तुझे? बढ़िया बढ़िया, मजेदार था वीडियो। सो यार थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, अगर आपने देखा और एंजॉय करा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। एंड भाई जिस बंदे ने वीडियो एडिटिंग कर रखी है उसका नाम है SS मीमर जोन, सो या उस चैनल पे भी जा सकते हो न्यू वीडियोस देखने के लिए। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो हिट द सब्सक्राइब बटन, और मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। टिल देन बाय, पीस आउट, लव यू, बाय बाय।